अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फ्रेंड्स। पुलिस रोल के चैप्टर नंबर 18 और फिगर नंबर 1 को आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 18 जो है वो वारदात के मतलब है। महकमा पुलिस की जितनी भी वारदात जो लगाई जाती हैं ये उनके मतलब है। इसका फिगर नंबर 1 जो है मुस्तकिल वारदात हैं, ऐसी वारदात जो मुस्तकिल तौर पर किसी भी जगह मुतय्यन की जाए उनको मुस्तकिल वारदात कहा जाता है। ऐसी वारदात खजाने पे होती हैं, तहसील पे होती हैं, मैगजीन पे होती हैं, मजिस्ट्रेटी हवालात के लिए होती हैं और दीगर काफ़ी सारी जो मंजूर शुदा वारदात हों, जो ऑफिशियली तौर पे मंजूर हों गवर्नमेंट से कि यहाँ इनको गार्ड मुहैया की जाएगी और उन वारदात को जो है वो हम वारदात मुस्तकिल वारदात कहते हैं। आइए हम इसको पढ़ते हैं। फिक्र नंबर 1 है मुस्तकिल वारदात। जुमला वारदात मुतय्यना खजाना, तहसील, मैगजीन, मजिस्ट्रेटी हवालात व दीगर मंजूर शुदा मुस्तकिल वारदात पर नफरी पुलिस से मुहैया की जाएंगी। नंबर 2, अहलिया ने पुलिस मुतय्यना वारदात को अरसा 3 माह से ज़्यादा के लिए तैनात न रखा जाएगा। नंबर 3, वारदात पर तब्दीली SP ज़िला की मुकर्रर करदा मुदत के बाद की जाएगी। नंबर 4, हर एक मुस्तकिल वारदात गार्ड की मंजूरी फॉर्म नंबर 1 और ज़िमन नंबर 2 में तादाद नक्शा तकसीम फॉर्म में दिखाई गई है। फ्रेंड्स, जो बाब नंबर 18 वारदात के मतलब है उसका पहला फिक्र नंबर जो 1 है मुस्तकिल वारदात, उसमें कितने पॉइंट्स हैं? 4। सबसे पहले कौन सा पॉइंट आएगा कि जुमला वारदात जितनी भी वारदात हैं, मिसाल के तौर पर खजाना, तहसील, मैगजीन, मजिस्ट्रेटी, हवालात, दीगर मंजूर शुदा मुस्तकिल वारदात पर कहाँ से नफरी दी जाएगी? पुलिस से नफरी दी जाएगी। वो तमाम वारदात दूसरे अल्फाज में वो तमाम वारदात जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा होंगी, खजाना, तहसील, मैगजीन, मजिस्ट्रेटी हवालात और दीगर मंजूर शुदा वारदात जो है वहाँ पर पुलिस की जानब से नफरी लगाई जाएगी। एक चीज़ नेक्स्ट ये होगा कि जो वारदात लग गई अब उस वारदात को चेंज कब किया जाएगा? जो भी वारदात मुस्तकिल वारदात की सूरत में तैनात की जाएगी उसको 3 माह से पहले तब्दील नहीं किया जाएगा और ना ही 3 माह से ज़्यादा उसको रखा जाएगा। नंबर 3, वारदात पर तब्दीली SP ज़िला की मुकर्रर मुदत के बाद की जाएगी। अब कोई ऐसी गार्द है, फ़र्ज़ किया है कोई ऐसी गार्द आ गई है जो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा है और SP ज़िला जो है, जो आजकल हम जिसे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर DPO कहते हैं, उसकी मुकर्रर करदा मुदत के बाद उस गार्द की तब्दीली मुमकिन हो सकेगी। पुलिस रूल्स के मुताबिक उनको 3 माह से ज़्यादा तैनात नहीं रखा जाएगा और अगर SP ज़िला चाहे तो वो मुकर्रर कर सकता है कि इस बंदे को तब्दील कर दिया जाए और इस बंदे को ना तब्दील किया जाए। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, उसकी वजह जहाँ पे गार्ड लगी है वहाँ से कुछ शिकायत आ सकती है, उस मुलाजम के जो मेडिकल फिटनेस है उसमें कोई फ़र्क आ सकता है, कोई उसको डिजीज़ हो सकती है, कोई किसी किस्म की बीमारी में मुबतला हो सकता है, बीमार हो सकता है, गैर हाजिर हो सकता है, तो ऐसी सूरत में जो है वो SP ज़िला चाहे तो उसको तब्दील कर सकता है। वैसे आम तौर पर वारदात को अरसा 3 माह से ज़्यादा के लिए नहीं रखा जाएगा, 3 माह से पहले पहले उनको पूरे 3 माह होते ही उनको तब्दील कर दिया जाएगा। जो लोग गार्द पे होंगे वो किसी और गार्द पे थाना में या किसी जगह चले जाएंगे और जो लोग थाना में होंगे या कहीं और लगे होंगे उनको वारदात पे लगा दिया जाएगा। नंबर 4 है, हर एक मुस्तकिल गार्द की मंजूरी फॉर्म नंबर 1 और ज़िमन नंबर 2 में तादाद नक्शा तकसीम फॉर्म में दिखाई गई है। अब फॉर्म नंबर 1 और ज़िमन नंबर 2 नक्शा तादाद तकसीम फॉर्म क्या है? फ्रेंड्स, ये जब आप बाब नंबर 18 मुस्तकिल वारदात का जो फॉर्म मुस्तकिल वारदात को अब हम पूरी बुक के अंदर, बड़ी बुक जो है आपका जनरल लॉ की जो बुक है मेजर एक्ट, उसके अंदर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 1 जो वारदात के अंदर 18 बाब के अंदर फॉर्म नंबर 1 होगा उसका जो ज़िमन नंबर 2 होगा, उस फॉर्म का जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें सारी तफसील उन्होंने एक फॉर्म के अंदर बनाई हुई है कि कैसे मंजूरी होगी, कौन सिग्नेचर करेगा, ज़िमन उसका 2 है, उसमें तादाद शो की गई है कितने की, कौन सी ऑफिसर के लिए, कौन सी जो है वो पर्सनैलिटी के लिए कितनी तादाद में गार्द लगाई जाएगी, उनकी तादाद कितनी होगी, 1-4 की होगी, 2-4 की होगी, 1-6 की होगी, जितनी होगी, मतलब जो वहाँ पे वो डिटेल दी गई है। जिस तरह आपको पता होगा कि दिल्ली की बुनियाद पर जब आप रिज़र्व ड्यूटी के लिए, रिज़र्व ड्यूटी या जनरल ड्यूटी से आप
नफर लेके नफरी लेके आप अदालतों में तकसीम करने जाते हैं, उस नफरी की तकसीम बताई जाती है कि किस तरह कितने नफर होंगे तो कितने हेड कांस्टेबल होंगे, कितने ASI होंगे, कितने कांस्टेबल होंगे, कितने कांस्टेबल मुसल्ला होंगे, कितने हथकड़ी जाएंगे। आपको पता होगा आपके मुहर्रर ऑफिस जो पुलिस लाइन का मुहर्रर ऑफिस है अमूमन वहाँ लगी होती है, ये चार्ट बना के लगा होता है। अगर वहाँ नहीं है तो आप अपने रिजर्व इंस्पेक्टर जो आ रही है उसके ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ आसानी से मैसर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही गारदात का भी एक फॉर्म बना हुआ है जो चैप्टर नंबर 18 जो मेजर एक्ट है उसके अंदर, चैप्टर नंबर 18 जो पुलिस रूल के अंदर आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 1 जो है वो मिल जाएगा। उसका दूसरा हिस्सा उसमें तादाद नक्शा और तकसीम फॉर्म में दिखाई गई है, किस तरह तादाद होगी, किस तरह तकसीम होगी, कैसे लगाया जाएगा, मुलाजमान किस तरह होंगे और किस तरह के मुलाजमान की वहाँ पे तैनाती होगी, उनकी तब्दीली कब होगी, SP जिला अगर चाहे तो किस 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 बुनियाद पर तब्दील कर सकता है और कौन कौन सी गारदातें जो है वो मुस्तकिल कहलाई जाएंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स इस फिक्रा के बारे में मैं आपसे ये कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिक्रा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर, तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दोहरा लेंगे एक दफ़ा और इसको चेक करेंगे कि आपको आता है कि नहीं। फ्रेंड्स आपको एक टिप टिप देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो चीज़ आप फिक्रा जो है यहाँ सुनते हैं तो उस सूरत में आपने ये कोशिश करनी। फ्रेंड इसके अंदर आप ये करेंगे कि आपने सबसे पहले जो है वो आपने ये कोशिश करनी है कि जब भी आप किसी यहाँ से किसी वीडियो को देख लेंगे, किसी किसी भी लेक्चर को यहाँ से सुनेंगे, तो उसके बाद सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने ये देखना है कि आपको कहीं कहाँ से समझ नहीं आई। ठीक है, जहाँ से आपको समझ नहीं आई आप बिला झिझक आप एक कमेंट बॉक्स में आएँ, वहाँ पे आके आप अपना मसला जो है वो बयान करें कि हमें फ़लाँ जो टॉपिक था उसकी फ़लाँ वाली, बल्कि उसी वीडियो के नीचे आप लिखेंगे कि ये ज़िमन नंबर 2 से समझ नहीं आई, ज़िमन नंबर 3 की समझ नहीं आई, जो जिस तरह ज़िमन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है मंजूरी फॉर्म नंबर 1 वगैरह ये क्या है तो मैंने बता दिया वहाँ से आपको समझ नहीं आई। ऐसी सूरत में आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे, मैं आपके लिए दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन जब आपको फ़र्ज़ किया आपको पूरी वीडियो की समझ आ गई है तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने ये नहीं समझना कि मुझे समझ आ गई और बस ठीक है मैं लिख लूँगा। यही एक मेन गलती है जो हमारे पुलिस मुलाजमान जो हैं वो प्रमोशन कोर्सेज के अंदर करते हैं, प्रमोशन के एग्ज़ाम के अंदर यही एक मेन गलती होती है जो उनको फेल करने का सबब बनाती है, इसीलिए वो पीछे रह जाते हैं। वो दोस्त जो टॉप होते हैं, टॉपर होते हैं, टॉपर होते हैं मतलब कि पहले 10 नंबरों में होते हैं, 20 नंबरों में होते हैं, वो लोग इसलिए टॉपर होते हैं, वो भी आपके साथ ही ड्यूटियाँ करते हैं, आपके साथ ही सारा कुछ करते हैं, उनको भी इतना ही टाइम होता है, बस वो ये है कि जब वो पढ़ लें किताबों से पढ़ते हैं तो उनको समझ आ जाती है, जिस वक्त समझ आ जाती है तो वो अपने अल्फाज में उसको लिखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर नहीं लिखना, आपको इतना टाइम नहीं है तो पहली कोशिश तो ये करें उसको लिख के देखें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं अल्फाज में लिखें, कोशिश करें कि आप उसको लिख के देखें। ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप उनकी तरतीब 1 2 3 4 जो ज़िमन है उनकी तरतीब वैसे ही रखें, आप उनको ऊपर नीचे लिख के देखें, जो आपको याद है वो लिखें, जो आपको नहीं याद वो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो सामने आ जाएगा कि कौन सा ज़िमन याद नहीं है, फिर आप उसको याद करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको कोशिश करें कि आप उसको अपनी ज़ुबान में बेशक किसी ऐसे समझें कि किसी दरख्त को किसी दीवार की तरफ मुंह करके या किसी बंदे को अपने सामने सोच कर, या बिल्कुल अगर कोई भी नहीं है तो ऐसे जिस तरह बंदा को बोल के अपने आप को सुनाता है इस तरह अपने आप को बोल कर बताने की कोशिश करें कि इस वीडियो के अंदर क्या कुछ था, इसमें कितने ज़िमन थे। अब आपने याद कैसे करना है कि याद ऐसे करना है, अपने चैप्टर का नाम याद करना है, उसका फ़िक्रा याद करना है, फ़िक्रे का नाम याद करना है, ये एक चीज़ होगी। उसके बाद जैसे ही आप फ़िक्रे का नाम याद करेंगे आपको चैप्टर का नाम और फ़िक्रा जैसे 18-1 आपको सामने लिखा हुआ है, आपने 18-1 जैसे ही आपके माइंड में आया आपको ये पता हो कि 18 जो है वो गारदात है और 1 जो है वो मुश्किल गारदात है, और आगे आपको इसका एक एक जो है वो सब नंबर आपको फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं। बेशक आपको पॉइंट जो है वो आप बाद में याद करें, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको मौजूद होने चाहिए आपके माइंड में, जो है वो फ़ौरन से आपका माइंड एक्टिवेट हो जाए और आपका माइंड जो है वो आपको मेंशन करे कि इसके अंदर फलां 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 वो चीज़ें हैं। आगे इसको याद करने का ये तरीका होता है कि आपने
आपने जब आप ये बोलेंगे, कोई आपसे कहे कि 18-1 के मतलब आप क्या जानते हैं, तो आपने ये बता सोचना है, अपने माइंड पे जोर देना है कि 18 जो है वो गारदात है और 1 जो है वो मुश्किल गारदात है और उसके आगे 4 पॉइंट्स हैं। अब चारों पॉइंट्स की आपको जो याद रह जाए उसकी आप एक एक हेडिंग बना लें। जिस तरह अभी अब अभी हम इस इसी चैप्टर पे इसी फिक्रे पे हम बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम 18-1 बोलते हैं तो आपको पता होगा कि 18 गारदात है और 1 जो है मुश्किल गारदात है। अभी इसके आपको ये भी याद होना चाहिए कि 4 पॉइंट हैं। पहले पॉइंट में क्या है, मुश्किल गारदात, ठीक है, मुश्किल गारदात। अब आपको पता है जब हम महकमा पुलिस का पुलिस रूल्स पढ़ रहे हैं तो पुलिस रूल्स जो है वो महकमा पुलिस के मतलब ही है, तो इसलिए मुश्किल गारदात कौन कौन सी हैं इसमें ये बयान करना है, मुश्किल गारदात कौन कौन सी हैं और इस पर पुलिस की तरफ से नफरी लगाई जाएगी। जिस तरह दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब नफरी लग गई आप हर चीज़ को एक स्टोरी क्रिएट करें, स्टोरी बना लेंगे तो आपको फ़ौरन से याद हो जाएगा। स्टोरी क्रिएट करेंगे कि सबसे पहले मुश्किल गारदात क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, उसमें कहाँ से नफरी लगाई जाएगी, पुलिस से लगाई जाएगी। अब जब नफरी लग गई है तो वो कितने महीने के लिए लगेगी, 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं लगेगी। चौथा नंबर है कि अगर फ़र्ज़ किया किसी बंदे को चेंज करना हो, जो कोई बंदा अबसेंट हो जाए, माइंड में एक क्वेश्चन पैदा होता है, तो फिर क्या करेंगे, वो 3 महीने के उसको वेट करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं, वो SP जिला की मुकर्रर मुदत के बाद उसको चेंज कर दिया जा सकता है। तो नंबर 4, ये सारा कुछ कहाँ लिखा हुआ है, ये सारा कुछ उसके फॉर्म में लिखा हुआ है, फॉर्म नंबर 1 है, ज़िम्मा नंबर 2 है, जिसमें तादाद और तकसीम वगैरह लिखाई गई। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये सारा तफसील से याद हो गया होगा। बराए मेहरबानी दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद भी वीडियो को लाइक करें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम डेली की बुनियाद पर यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटिंग टू इस जो है प्रमोशन जो हम लेके आते हैं, जो महकमा पुलिस के लिस्ट ए के, B1 के, लिस्ट सी के और इस तरह डी के और ई के, ये सारे जितने भी लिस्टें हैं पुलिस की, इन सबसे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो हर जगह पे काम आते हैं, जो बहुत ही आपके आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है याद करने, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम पहले आपको लेके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये आप कौन जोन सा भी कोर्स करेंगे आपको उसी कोर्स में ये काम आएंगे। अगर आपने पहली दफ़ा लिस्ट ए के इम्तिहान देना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर गौर से मेरी बातों पर अमल करेंगे और गौर से सुनेंगे इनको, तो आपको इंशाल्लाह आप पहले टॉपरों में होंगे। उम्मीद करता हूँ, बाकी अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आप पर अपनी रहमत नाजल फरमाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्कियाँ दे। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों को बताएंगे, ठीक है डिस्ट्रिक्ट्स में सीटें कम होती हैं और जो आपके जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमारे दोस्त जो है वो कोशिश करते हैं कि हम कोई हमें कोई लेक्चर या कोई चीज़ हमें बुक अच्छी सी मिल गई है तो हम उसको अकेले अकेले याद करें। मैं आपकी बात को समझता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन चले ठीक है, आप ऐसा कर लें कि आप किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आपके रिक्रूटिंग कोर्स में हैं, आप उनको बता दें। अगर हमारे वो फ्रेंड्स जो लोअर पे गए हुए हैं या लोअर की तैयारी करने में मसरूफ़ हैं या वैसे लोअर को पढ़ रहे हैं कि हमने लोअर पे जाना है और वहाँ क्या करना है, आप फिर ऐसा करें कि आप अपने जो रिक्रूटिंग के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें। उसके अलावा जो आपके कुलीग्स हैं, जो आपके लोअर के कुलीग आपके साथ कर गए हैं, आप उनको बताएं। इसी तरह जब आप इंटर पे जा रहे हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ कुलीग्स होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के, उनको बताएं। इसी तरह आप एक दूसरे से शेयर करते रहें। बाकी वो दोस्त जो हमारे जिन्होंने ये लिस्ट ए बी या सी लोअर कर रखी है, उनको अभी देर है इंटर के लिए या अपर के लिए, तो वो दोस्त जो हैं वो अपने आपके जो जूनियर हैं बराए मेहरबानी उनको बताएं, ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके और हमारा महकमा जो है वो पढ़ा लिखा हो और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे महकमे को कायम दायम रखे और महकमा पुलिस को जो हमारे गरीब लोगों के लिए, आवाम के लिए एक भरपूर मुहाफ़िज़ की हैसियत रखती है और उसको हमेशा शादोबाद रखे। भरपूर दुआओं के साथ आपसे ज़्यादा चाहूँगा।